आपको एक्स मीटर की वायर दी हुई है और मैंने आपको बोला 1 मीटर के वायर का रेजिस्टेंस आपका आर है, तो एक्स मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है मीटर प्रिज में और कुछ नहीं करना। अगर 1 मीटर वायर का आपका रेजिस्टेंस अगर वायर का आर होता है, तो अगर मैं एक्स मीटर वायर की बात करूं तो एक्स मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? सिंपली बाय यूनिटरी मेथड यू कैन इजिली सॉल्व। समझ आया? सो होता क्या है उसमें, हम मीटर ब्रिज में ऐसे ही तो कनेक्शन होता है, हम जॉकी कनेक्ट करते हैं वायर पे, अलग अलग पॉइंट्स पे जॉकी कनेक्ट करते हैं। जिस पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिल जाता है वहां पे हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है ना। जिस पॉइंट पे आपको नल पॉइंट मिलता है उस पॉइंट पे आपके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है और उस पॉइंट का रेजिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है? हाँ, वो सिंपल है कंसेप्ट तो मीटर ब्रिज का। वंश दलाल सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो करो। हाँ वेरी गुड, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया बेटा, अच्छा हुआ आपने याद करा दिया, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है चलो, वंश दलाल भी आ गया। हाँ प्रेजेंट हो गया बेटा आपका। चलो तो इस तरह से मीटर ब्रिज के सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, आप उसको एक बार एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप याद आ जाएगा, है ना। और बार मैग्नेट एज अ सोलेनोइड मैंने कल आपको बताया ही था कि अगर हम कोई सोलेनोइड लेते हैं तो उसका बिहेवियर एग्जैक्टली बार मैग्नेट की तरह होता है। ये कल हमने रिलेशन निकाल के प्रूफ किया था, हमने इसका कल पूरा प्रूफ देखा था, हमने एक सेक्शन लेके इसको प्रूफ किया था और जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली थी वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली जैसे बार मैग्नेट से हम निकालते थे, किसी भी एक्सियल पॉइंट पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो बार मैग्नेट की वजह से तो वो कितनी आती है, है ना, के एम अपॉन के टाइम्स एम अपॉन आर क्यूब टू टाइम्स, है ना, टू टाइम्स ऑफ के एम अपॉन आर क्यूब। किसी भी एक्सियल पॉइंट पे जब आप बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो इतनी आती है। तो हमने क्या किया था कल, अगर आपने कल का क्लास अटेंड किया था तो हमने इसका पूरा प्रूफ किया था, हमने डीएक्स सेक्शन लेके सोलेनोइड का हमने किसी भी एक्सियल पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी और हमें इस तरह का रिलेशन मिला था। अब इस तरह का रिलेशन मिल गया तो मैं क्या समझूंगा, मैं यही समझूंगा कि इसका जो बिहेवियर है वो एक बार मैग्नेट की तरह है। सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज थोड़ी मैंने आपको बता दी थी, है ना। सब छोटी छोटी चीजें आप अगर याद रखोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अब ये कैनिल, बेटा कैनिल बहुत टाइम बाद आ रहे हो आप, हाँ और एक संजो भी नहीं आ रहा, संजो ये संजो भी नहीं आता, कैनिल भी नहीं आ रहा है, फिर ये दर्शित तो पता नहीं गायब ही हो गया है। दर्शित का तो कोई मुझे नजर ही नहीं आता, एक भी क्लास उसने अटेंड करी होगी मेरी। एक ये मयूर का भी कोई ठिकाना नहीं है, कभी आ जाता है, अभी 2 दिन से तो आ रहा था, आज फिर लगता है गायब हो गया। ये खुशबू भी नहीं आ रही है पिछले 2 दिन से, है ना। तो इतने सारे क्लासेस आपने स्किप कर दिए, फिर एंड मोमेंट पे आपको बहुत रिकवर करने में बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। जिसका नेटवर्क इशू आता है या अगर वो क्लास अटेंड नहीं कर पाता है तो उसको सेम डे जाके चैनल पे वीडियो देख लेना है। अगर आप सेम डे का काम सेम डे नहीं करोगे तो बाद में आपको रिकवर करने में बहुत सारी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इतने सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स अगर आप एक भी स्किप करोगे तो अब आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप उसको रिकवरी कैसे करोगे। ठीक है? तो कोशिश यही करनी है कि हमें क्लास रोज अटेंड करना है, एक्सेप्ट कोई आपका बहुत बड़ा रीजन हो कि मुझे कोई सही में कोई मेजर इशू आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तब आपको क्लास अटेंड नहीं करना है। लेकिन अगर कोई इशू नहीं है, घर में सब ठीक है, बढ़िया है, सबकी तबीयत अच्छी है, सब हेल्दी हो, तो फिर क्लास अटेंड करने में क्या दिक्कत है, हाँ? तो
क्लास को रोज अटेंड करना है, वैसे ही बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, और इतने से टाइम में हमें पूरा कोर्स कवर भी करना है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अभी तो आपको एक भी छुट्टी करनी ही नहीं है। आप खुद देखो, आपका फिफ्थ चैप्टर अभी चल रहा है, चौधरी दीप हैज ऑल्सो ज्वाइंड, और ट्राई करो कि जल्दी से क्लास में ज्वाइंड हो, है ना, लेट आने का कोई फायदा नहीं, जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन किया करो, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो आपका फिजिक्स में जो हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा है, अब ये फिफ्थ चैप्टर कल या परसों में कंप्लीट हो जाएगा और सिक्स चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो सोचो हमने फाइव चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और सिक्स हमारा स्टार्ट होने वाला है, आप ये समझ लो ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने को वाला है, फर्स्ट पार्ट आपका फिजिक्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, है ना। और अभी भी कई बच्चे ऐसे मैं देख रहा हूं जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो रहे। तो अब आपका फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट खत्म होने वाला है और सेकेंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आपको सीरियस हो जाना है, है ना। इस टाइम पे तो आपको काफी अच्छे से हार्ड वर्क करना है ना। तो बिल्कुल आप रेगुलर अपनी क्लास अटेंड करो, रेगुलर होमवर्क करो, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, और पिछले चैप्टर को भी रिवाइज करते रहो। कई बच्चे ऐसे करते हैं नए चैप्टर ही पढ़ते जाते हैं, अरे पुराना भी कभी उठा के देख लिया करो, कितने पेज आप लोगों ने कॉपी में भर दिए वो भी उठा के चेक किया करो कभी, उसको भी रिवाइज किया करो, उसको रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा हम इतना सारा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आगे हमें इतना और पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से आप पूरा पैटर्न फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड्स में, ठीक है। चलो यहां तक सब क्लियर हो गए। कई बच्चों को तो अभी ऐसा लग रहा है कि सर पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं, कई बच्चों को तो ऊपर से जा रहा होगा सर क्या बोल रहे हो आप, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे ऐसे करते करते पूरा साल निकल जाएगा और आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा क्या हुआ, ठीक है। तो इसलिए रोज आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज आपको होमवर्क करना पड़ेगा। जो लोग अभी मेरी बातों को बहुत लाइट ले रहे हैं या जिनको भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको कुछ टाइम बाद देखना पता चलेगा, ठीक है। बिल्कुल आपको अच्छे से क्लास अटेंड करना है, कोशिश यही करना है, क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करो, होमवर्क को भी बिल्कुल स्किप मत करो, इट इज फॉर यू ओनली, ये आपके बेनिफिट के लिए ही हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना। आपके बेनिफिट हो, आपका रिजल्ट 90% ऊपर आए, बोर्ड्स में आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, है ना। तो ये बस 2 to 3 months का आपका एफर्ट्स है, 3 months के लिए 4 months के लिए अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बार बार मैं यही बात बोलूंगा, कई बच्चे अभी तक जो सो रहे हैं वो आज भी जाग जाए तो उनका बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये बात मैं हमेशा रिपीट करता रहूंगा क्योंकि आपको जागना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा लेक्चर में हमारा टाइम चला गया, और आपके बेनिफिट के लिए जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बोला है ये सब आपके बेनिफिट के लिए, इसमें मेरा कोई भी 1% भी बेनिफिट नहीं है, इट्स फॉर यू ओनली, ठीक है। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके थे, टॉर्क के बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया था, है ना, जब हम बार मैग्नेट को रखते थे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो इस पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता था, ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे, है ना। कल की क्लास में हम ये वाला पार्ट डिस्कस कर चुके थे कि टॉर्क की वैल्यू हमें मिलती थी mb साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू आपको क्या मिलती थी, mb साइन थीटा। अब ये सेम कंसेप्ट मैं आपका लगाने वाला हूं मैग्नेटिक नीडल पे, है ना, ये कंसेप्ट आपको पता है, तो यही वाला कंसेप्ट मैं आपकी मैग्नेटिक नीडल पे लगाऊंगा। सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल है, और उस मैग्नेटिक नीडल को मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, है ना। तो आपका कंपास आपने देखा होगा, उस कंपास में मैग्नेटिक नीडल होती है, और मैग्नेटिक नीडल क्या शो करती है, डायरेक्शन शो करती है ना। कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल होती है
वो आपकी डायरेक्शन को शो करती है। इस तरह की आपकी मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है। तो आपका ऐसे ही नॉर्थ और साउथ इस तरह से सपोज करो मैग्नेटिक नीडल आपकी शो कर रही कंपास में, है ना। सन जो हैज ऑल्सो ज्वाइन, हाँ, डायरेक्शन शो करती है। तो मैग्नेटिक नीडल का खुद का भी कुछ मास होता है, ऐसा तो नहीं कि मैग्नेटिक नीडल का कुछ मास नहीं होता, मैग्नेटिक नीडल का खुद का भी कुछ मास होता है। और जब हम इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं कंपास को, जब हम इस कंपास को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप इस कंपास को रखोगे तो ऑब्वियसली इसमें भी एक टॉर्क लगेगा। जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखोगे तो इस पे भी एक टॉर्क लगता है जो इस मैग्नेटिक नीडल को रोटेट करता है, है ना। इस पे भी एक टॉर्क लगता है जो इस मैग्नेटिक नीडल को क्या करता है, रोटेट करता है। और अब जैसे ही आप इस मैग्नेटिक फील्ड को सप्लाई करना बंद कर दोगे तो आपकी मैग्नेटिक नीडल फिर से रोटेट होके अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, है ना। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को सप्लाई करना बंद कर दोगे तो आपकी जो नीडल है वो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगी। तो नीडल पे टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क तो हमने अभी अभी निकाला, इस नीडल पे टॉर्क कितना लगेगा, विच इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इस नीडल पे टॉर्क तो उतना ही लगेगा एम बी साइन थीटा, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके है ना, इतना ही टॉर्क लगेगा, है ना। अब जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड का सप्लाई बंद करोगे तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड हमने सप्लाई किया तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हुई, और जब मैग्नेटिक फील्ड हमने सप्लाई बंद कर दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई। तो जो एंटी क्लॉकवाइज वाला जो टॉर्क होता है, जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। इस टॉर्क को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड टॉर्क। तो अगर मेरे को रीस्टोरिंग टॉर्क इसको बनाना है तो रीस्टोरिंग टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी ऑपोजिट टू द अप्लाइड टॉर्क, सो आई विल पुट अ नेगेटिव साइन हियर। नेगेटिव साइन शोज दैट योर रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू द अप्लाइड टॉर्क, है ना। रीस्टोरिंग टॉर्क आपका हमेशा कहां लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेरी गुड। अब आपने रोटेशन में पढ़ा था कि टॉर्क इज डिफाइंड एज आई इंटू अल्फा, टॉर्क इज डिफाइंड एज आई इंटू अल्फा, यह आपका टॉर्क होता था। अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज डी ओमेगा बाय डी टी। ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट ओमेगा एज डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहां पे देखो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, योर टॉर्क विल बी आई टाइम्स डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी। तो ये टॉर्क और ये टॉर्क को मैं इक्वेट कर सकता हूं, ये भी आपका रीस्टोरिंग टॉर्क है, और रीस्टोरिंग टॉर्क आपका किसके बराबर होगा, क्योंकि इसमें रोटेशन हो रहा है, आपकी मैग्नेटिक नीडल रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा। ठीक है, तो सिंपली मैं देखो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा, सो यू विल गेट आई टाइम्स डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी। This is very important concept, I times d square theta upon dt, which is equal to minus mb sin theta. अब generally जब आपकी magnetic needle rotate होती है ना, जब आपकी magnetic needle rotate होती है
तो उसका जो थीटा होता है, थीटा बहुत ही छोटा होता है ना, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। देखते हो ना मैग्नेटिक नीडल कितना घूमती है, ऐसा तो नहीं कि 10 डिग्री घूम जाती है या 15 डिग्री घूम जाती है, इतना तो नहीं घूमती। मैग्नेटिक नीडल जब रोटेट होती है तो उसमें एंगल आपका जो रोटेशन होता है बहुत ही छोटा सा एंगल रोटेट करती है ना, इट मे बी 0.5 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री, इतना छोटा सा एंगल वो रोटेट करती है। हाँ पूजा इज सेइंग डीटी स्क्वायर आएगा, यस डीटी स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डीटी स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू माइनस एमबी साइन थीटा। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ, आई कैन राइट साइन थीटा एज थीटा। तो बस आपको यही करना है, सिंपली आपको ये करना है, आई टाइम्स डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस एम बी इंटू थीटा। और अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। अब इस इक्वेशन को देख के आपको कुछ याद आना चाहिए, याद करो अपना 11th क्लास, 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वी हैव स्टडीड वन चैप्टर इन 11th क्लास, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, सबने सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। तो वहां पे आपने देखा था जब आपको इस तरह की इक्वेशन मिलती है तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर SHM, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो आई कैन कंपेयर बोथ दिस इक्वेशन, आई कैन कंपेयर बोथ दिस इक्वेशंस। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, योर ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम बी अपॉन आई। So you can easily write omega square which is equal to mb upon i m into b upon i। ठीक है, तो यहां से आपको ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा, सिंपली आप ओमेगा निकाल लोगे। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसलिए आपको मैं रिलेशन बता रहा हूं। अगर आपको ओमेगा पूछा होगा नीडल का, कंपास नीडल का ओमेगा कितना होगा, तो आप यहां से निकाल दोगे। अगर कंपास नीडल का टाइम पीरियड पूछेंगे आपको पता ही है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। तो यहां पे आप ओमेगा का वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, सो यहां से आप टाइम पीरियड भी निकाल लोगे। अच्छा, कई बार आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पे आप ओमेगा का वैल्यू पुट करो सबसे पहले, है ना, तो आपको टाइम पीरियड कितना मिल जाएगा, 2π अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहां से देखो दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² इंटू आई अपॉन एम बी। तो यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो। सपोज करो आपको टाइम पीरियड पता है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आपको ये मैग्नेटिक मोमेंट पता है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल दो, 4π² i, है ना। क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछेगा, आपका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो यू कैन इजीली सॉल्व, है ना, 4π² i अपॉन कितना आ जाएगा ये, mt² m टाइम्स टी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। हाँ रूट कर लेते, चलो ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया।
ठीक है। चलो अब आज का जो टॉपिक है हमारा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज योर अर्थ मैग्नेटिज्म। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज योर अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म है ना, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का, दैट इज योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म के बाद आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इट टेक विद इन 1 or 2 days, 1 or 2 days में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 6th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो इसको समझते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो आपने देखा होगा कि अर्थ जो है हमारा, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। अगर आपने SST पढ़ी है थोड़ी भी, सोशल साइंस अगर आपने पढ़ी है 10th क्लास तक, तो मेरे ख्याल से आप इसको इजीली समझ जाओगे, है ना। देखो दो पोल्स होते हैं आपके, वन इज योर ज्योग्राफिक नॉर्थ, अनदर इज योर ज्योग्राफिक साउथ, ठीक है। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल। तो अब अर्थ, आपको पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट होती है ना। अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट होती है, तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, अंदर का जो मटेरियल है ना, अंदर जो कोर में बहुत सारा मोल्टन मटेरियल प्रेजेंट है इसके, है ना, अंदर इसके कोर में, है ना, क्रस्ट मेंटल एंड कोर, इस तरह की लेयर्स होती है अर्थ। तो अंदर की तरफ जो मटेरियल प्रेजेंट है कोर में, वो भी इसके साथ रोटेट होता है ना। तो अंदर एक डायनेमो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जो कि मोल्टन मटेरियल के रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है ना। अंदर की तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, एक डायनेमो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो मोल्टन मेटल्स है, मोल्टन आयरन है, उनके रोटेशन की वजह से डायनेमो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसकी वजह से क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, इसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जनरेट होती। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अर्थ में देखो क्या है, एक तो आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है और दूसरा आपका पोल जो होता है दैट इज योर ज्योग्राफिक साउथ, है ना। इसके अलावा हम एज्यूम कर सकते हैं, हालांकि असल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखो, लेट अस कीप वन बार मैग्नेट, इसको स्टडी करने के लिए हम इसको इस तरह से समझते हैं कि अर्थ के अंदर एक ऐसा बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ लाई करता है, और नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ लाई करता है। तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो कुछ इस तरह से निकलती, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो कुछ इस तरह से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ। इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता
समझ आ रहा है आपको? इस तरह से पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, सो ये वाला जो नॉर्थ पोल है ये आपका, इट इज नोन एज ज्योग्राफिक नॉर्थ। दिस साउथ इज नोन एज ज्योग्राफिक साउथ। दिस पोल इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस पोल इज योर मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, इस तरह से हम एज्यूम करते हैं कि अर्थ में ऐसा कोई बार मैग्नेट है, हालांकि असल में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी करने के लिए हम इस तरह से स्टडी करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बिल्कुल हमें इस तरह का मिलता है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न जो है बिल्कुल इस तरह का मिलता है, इसलिए हम इसको बार मैग्नेट से एज्यूम करके स्टडी करते हैं। ठीक है, सबको पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? वेरी गुड। चलो तो आपके पास देखो चार पोल्स हो गए, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। अच्छा, अब इनका जो इंक्लिनेशन होता है ना, ये दोनों जो लाइंस होती है इनका एक इंक्लिनेशन एंगल होता है, और ये इंक्लिनेशन एंगल होता है अराउंड 11.3 डिग्रीज का। सपोज दिस इज योर ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ, and this line is your magnetic north and magnetic south, है ना? इनका जो inclination होता है, geographic north, geographic south, magnetic north, magnetic south, इनका जो inclination angle होता है ये होता है around 11.3 degrees। ठीक है, इनका जो इंक्लिनेशन होता है दैट इज अराउंड 11.3 डिग्रीज, 11 से लेके ये 11.3 डिग्री तक इंक्लाइंड होती है ये दोनों एक्सिस, है ना? दिस इज योर ज्योग्राफिक एक्सिस एंड दिस इज योर मैग्नेटिक एक्सिस। दोनों एक्सिस का जो इंक्लिनेशन होता है दैट इज अराउंड 11.3 डिग्रीज। चलो अब थोड़ी सी ज्योग्राफी भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं। अब जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर सबने नाम सुना होगा, जो ज्योग्राफिक इक्वेटर होता है आपका इधर लाई करता है, दिस इज योर ज्योग्राफिक इक्वेटर, दिस इक्वेटर इज योर ज्योग्राफिक इक्वेटर। ये आपका कौन सा इक्वेटर होता है? जियोग्राफिक इक्वेटर। सिमिलरली आपका एक होता है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर कहां पे लाई करेगा? देखो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, दिस विल बी योर मैग्नेटिक इक्वेटर, है ना? ये कौन सा इक्वेटर है आपका? दिस विल बी योर मैग्नेटिक इक्वेटर। बड़े ध्यान से आप इसको समझ लो तो अर्थ मैग्नेटिज्म के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो ज्योग्राफिक इक्वेटर देखो, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ करी तो आपको ज्योग्राफिक इक्वेटर मिला, फिर जब मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी तो मुझे मैग्नेटिक इक्वेटर मिल गया। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलो अब जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये तो थोड़ा बहुत जनरल इंफॉर्मेशन आपको बता दिया, अब जो कंसेप्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन सॉल्विंग, है ना? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज द सपोज करो ये आपका अर्थ है और यहां पे मैंने एक बार मैग्नेट रखा था, दिस वॉज योर मैग्नेटिक इक्वेटर, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक साउथ, दिस इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर। और यहां से आपकी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह की आपकी फील्ड लाइंस जा रही हैं। थोड़ा अच्छे से इसको बनाता हूं, आपको फील्ड लाइंस प्रॉपरली दिखाई दे। ठीक है, नॉर्थ से आपकी फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और साउथ में आपकी फील्ड लाइन सेंटर हो जाती है। नॉर्थ से आपकी फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और साउथ में आपकी फील्ड लाइंस एंटर हो जाती है। अब सपोज करो मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं इस पॉइंट पे, ठीक है, यहां पे मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं यहां से ऊपर देखता हूं तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखाई देगी। इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी दिखाई देगी, सपोज करो मैं मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़ा हूं और मैं यहां से एकदम सीधा ऊपर देखता हूं। आई एम स्टैंडिंग ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर एंड आई एम वॉचिंग अबाउ माई हेड, सो आई विल सी दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स above the magnetic equator at this point will be exactly at this, सीधी ऐसी horizontal होगी, है ना, मुझे ऐसी horizontal दिखाई देगी। ठीक है, और suppose करो मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं